कितने गेट हैं साईं मंदिर के? ये चौड़ी है और ये द्वारका माई है। ये द्वारका माई है, द्वारका माई मस्जिद। अभी मेरे सामने आपको लेफ्ट साइड में द्वारका माई दिख रहा है, जहाँ पे साईं बाबा हमेशा रहा करते थे। ये रहा द्वारका माई, और वो जो स्वर्ण मंदिर दिखाई दे रहा है वही है साईं बाबा का मंदिर। चलो चलो चलो, ये चावड़ी क्या है? चावड़ी बाबा यहाँ पे मतलब ध्यान करते थे सब बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटी उनका बैठते थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉन्फ्रेंस रूम था ये? हाँ, ये बाबा का कॉन्फ्रेंस रूम चावड़ी। और ये बजरंग बली का मंदिर दक्षिण मुख्य हनुमान मंदिर। जय श्री हनुमान। मेन गेट किधर से है इसका? हम लोग पीछे गेट से आए हैं। हाँ, अपन पीछे मेन रोड से इस तरफ आए ना, और ये बाहर निकल आए दर्शन करके। अच्छा, गेट तीन नंबर से। ये तीन नंबर गेट है। चप्पल वगैरह निकाल देना। आपका दुकान कहाँ है? टेम्पल का शॉप है। आपका कौन सा है? वही है ना आपका? हम लोग मतलब काम के लिए रहते हैं सर। पानी देखा चलो चलो, लो क्या क्या लेने वाले हो आप? प्रसाद चुन रही सारी चीज़ें यहाँ से लेके बाबा की दर्शन कर सकते हैं। साईं बाबा वर्ल्ड फेमस है इंडिया में, और वर्ल्ड में तो फेमस ही है। ये पूरा गलियारा है। टाइम पे पहुंच गए साईं बाबा के दर्शन के लिए, और आज भीड़ कम है इसलिए शीशा खुला हुआ है बाबा जी के समाधि स्थल का, और वहाँ पे रुकने के लिए परमिशन है। वहाँ पे रुक के 10-15 मिनट रुक भी सकते हैं ऐसा बता रहा है, वरना जब भीड़ रहती है तो भागो 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 भागो, हटो 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 ऐसा चलता रहता है। 640 हो गया सर आपका। 60 रुपये का मंदिर का प्रसाद है, 80 रुपये का स्वीट दिया है पाव किलो, 50 रुपये का छोटा माला दिया है, और 80 रुपये का बड़ा ड्राई फ्रूट दिया है, और ये बाबा का धोती दिया है, पगड़ी दिया है, एक जमा होएगा, एक में लड्डू प्रसाद रिटर्न मिलेगा, और 200 का चादर लगा है सर आपका छोटा वाला। ये जैसे लेंगे वैसा नाम वगैरह लिख लेते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जय श्री साईं। सर ये डायरेक्ट उनको लगाना ज्यादा, और वो फिर दूसरी बार शिफ्ट भी आना, इसके लिए सब बोल के दिखा के देना है, जो अच्छा लगे वो लेगा, नहीं तो कम करना कम करना। पूरा कांच निकल गया, बहुत बढ़िया दर्शन होगा सर। छोटा चादर रिटर्न मिला तो घर के लिए लेके जाना सर, क्योंकि बाबा का टच किया कपड़ा किसी को मिलता नहीं, वो उधर जमा करना पड़ता है, फिर वो दूसरे लोग लेके जाते हैं पूजा पाठ के लिए। अगर आपका फैमिली को लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। यहाँ तक पहुँचा आना बड़ी बात होती है अपने आप। उसका बुलावा है सर, उसका बुलावा है, तभी तो बुलावा है, तो जन्नत से लोग इधर आते हैं लोग। आज भीड़ नहीं है, आज भीड़ नहीं है, देख लीजिए आ रहा है जो पैदल आए। अच्छा अच्छा, गेट इधर से रहता है ये पालकी वालों को। ठीक है, ये पास लेने के बाद कैमरा को यहीं लाके जमा कर देंगे, पास लेके आएंगे कैमरा यहीं जमा करेंगे। एंट्री यहीं से करना रहता है ना? एंट्री उधर से। अच्छा, उधर से ये निकलना इधर से रहता है? थ्री नंबर गेट है, वहाँ से बाहर निकलेंगे। अच्छा, तीन नंबर से बाहर। और ये कौन सा नंबर है? ये वन नंबर गेट है। एक नंबर गेट, एक नंबर से जाना है, ये देखो पूरा खाली, पास में किसी का जाना ही है। सबसे ज़्यादा गुरुवार को पालकी निकलता है सर, चलो 10-10:15 बजे, उस समय तो 1.5-2 घंटा लगता है, और बाकी शनिवार रविवार होगा तो 3 घंटा ऐसा लग जाता है। मतलब किसी भी समय आए 3-4 घंटे में दर्शन हो जाता है? अभी तो हाफ सीजन चल रहा है, 2 घंटा ऐसे में दर्शन हो जाता है। दर्शन का लाइन तो है ही नहीं, बस चलते जाना है, यहाँ से टिकट लेना है, यहाँ से टिकट मिलेगा। दर्शन काउंटर है, फ्री दर्शन पास यहाँ से मिलेगा। अच्छा, इधर काउंटर, इधर
मतलब कोई भी आता है तो सबसे पहले उसको अपना पास लेना है, बायोमेट्रिक पास लेना है, उसके बाद ही वो आगे एंट्रेंस है अंदर, गेट के अंदर। पहले कैसे बिगर पास से लोग जाते थे इसे, हाँ अभी वो सिस्टम नहीं रहा सर। अभी बायोमेट्रिक उनको जाना पड़ेगा काउंटर पे, फ्री पास से वहाँ पे उनको फोटो निकालेंगे बायोमेट्रिक। मतलब वो हर पर्सन का इंडिविजुअल बनेगा, उसको खुद खड़ा होना पड़ेगा। हाँ सर, खुद खड़ा होना पड़ेगा, उनको फोटो निकाल के उनको टिकट मिलेगा दर्शन का, फ्री टिकट, फिर एंट्री करना पड़ेगा उनको। वैष्णो देवी जैसा हो गया, वैष्णो देवी आज कितना किलोमीटर चल लिया हो गया पैदल? पैदल 10 किलोमीटर तो लगभग। 10 किलोमीटर चल लिया हो गया पैदल? कैसे 10 किलोमीटर चल लिया हो पैदल? ये है होटल मथुरा, इसके सामने साईं बाबा का पास। कितना रुपया मिलेगा? पैसा नहीं लगेगा, फ्री का है। लोग पास निकलो। ये पास के लिए लाइन लगा ली हम लोगों ने। ससुन दर्शन पास वितरण केंद्र पर 20 प्रति, उसका क्या मतलब? पेड दर्शन पास। ओके, यहाँ पे पेड दर्शन पास काउंटर भी है और फ्री काउंटर भी है, पता नहीं उसका क्या है। अच्छा 200 रुपये भाई, 20 रुपये नहीं। मेरे को एक शून्य नहीं दिख रहा था भाई, लग जाता नहीं, वो उस पर खम्भे पे छुप गया था। तो पेट पे अगर जाना है तो 200 रुपये हैं, 200 रुपये एक आदमी का 200 रुपये। भीड़ है अच्छी खासी, इस भीड़ को ये बोला जा रहा है कि भीड़ बिल्कुल नहीं खाली आज, यहाँ के हिसाब से। यहाँ के हिसाब से ऐसा है कि आज खाली है, भीड़ नहीं है। ये मैं पीछे हो जाओ, थिंक पॉजिटिव। मेरा फोटो तो नहीं आया। गेट नंबर 1, 3 PM टू 1 घंटे के लिए ही वैलिड रहता है ये। अच्छा, ये पेड दर्शन में कितने टाइम में दर्शन हो जाता है? आधे घंटे में भीड़ होगा तो। हाँ, 4 बजे का मंदिर बंद रहता है, पूजा मंदिर नहीं, आपका पास इनवैलिड हो जाएगा, फिर से आके कटवाओ। गेट 1 में जाना पड़ेगा, गेट 1 सामने पड़ेगा, सामने ही, वहीं से तो आए। भैया जी से मैंने मोबाइल ले लिया क्योंकि ये जा रहे हैं द्वारका माई का दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने साईं बाबा का दर्शन कर लिया है, मेरे सामने जो दिख रहा है आपको मंदिर, यही है साईं बाबा का मंदिर, जिसके नीचे साईं बाबा की समाधि रखी हुई है। तो कुछ चीज़ सीखी क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। साईं बाबा के मंदिर में जाने के लिए सबसे पहले आपको फ्री पास वाला टोकन कटवाना है। टोकन कटवाने के बाद उसमें देखना है कि कितना नंबर का गेट में आपको एंट्री करना है। वहाँ जाइए, पहला हॉल के बाद दूसरे हॉल में एंट्री, दूसरे हॉल के बाद सीढ़ी से नीचे, फिर सीढ़ी से ऊपर, फिर ऐसा करते करते एक प्रांगण में आप पहुँचेंगे। उस प्रांगण के बाद साईं बाबा वाले कक्ष में, मतलब चौथा या पाँचवा कक्ष है, वहाँ आपको साईं बाबा के दर्शन के लिए फिर लाइन लगानी होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस किया है और वो ये है कि जब यहाँ आए तो यहाँ पे फ्री में पार्किंग अवेलेबल है, वहाँ पे गाड़ी लगाइए, सबसे पहले टोकन कटवाने जाइए, टोकन कटवाने के बाद सीधा लाइन लगिए और दर्शन कीजिए। अगर इधर उधर नहीं पड़ना है तो, और अगर घूमना है तो पूरा मार्केट है। बहुत खूबसूरत स्थान है क्योंकि हमारे साईं बाबा बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए ये नगरी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है और लोग भी यहाँ पे भारी मात्रा में आते हैं, भारी मात्रा में चढ़ावा चढ़ाते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बालाजी के बाद ये सेकंड नंबर के रिचेस्ट ट्रस्टी गॉड है यहाँ। साईं धाम शिरडी का जो शेड्यूल था वो कंप्लीट कर लिया, अभी टाइम पे बिल्कुल कितने बज रहा है?
हाँ तो मोबाइल भूल जाओ, मोबाइल इनका गायब हो गया मेरे पास, मतलब मेरा हो गया, किसी को चाहिए होगा। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से गाड़ी उठाएंगे और एंटी के पो होंगे। अब क्या क्या बताना, क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या हुआ, एलोरा देखे, उसके पहले भोले बाबा का दर्शन किए, उसके पहले उठे, ये सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्राइवेट कार पार्किंग में कार पार्क किया हुआ है, 50 रुपये हम लोगों ने इसके दिए हैं। पर अब मेरे समझ में आ गया है आपको प्राइवेट कार पार्किंग में कार डालने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त वाले पार्किंग में भी डाल सकते हैं अगर फ्री में करना है या पास में ही लेना है, तो प्राइवेट कार पार्किंग है, दोनों ऑप्शन है। जल्दी दर्शन करने के 2 रास्ते हैं, एक या तो 200 रुपये की टिकट कटाइए या फिर ब्लड डोनेट करके GIP आपको उसमें भी ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको जल्दी दर्शन हो जाएगा। तो बाकी आपकी मर्जी है, जिनको पैसे खर्च नहीं करने हैं वो अपनी पार्किंग है वहाँ गाड़ी खड़ा करें, टोकन कटवाएं, लाइन में लग जाएं, जो भी प्रसाद लेना है बोले। और ना ये प्राइवेट पार्किंग में है, बिल्कुल मंदिर के बाजू में है ये पार्किंग, और बढ़िया दर्शन करें। तो चलें, चलो जी बैठो।